मेरा पॉइंट जो रोस्टर साथियों एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो अधिकार था वो छीन लिया गया है। किसके द्वारा छीना गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी जो जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद आपका अधिकार आपसे छीन जाता है। संविधान ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया, रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, अपॉइंटमेंट नहीं है। बहुत लोग गलतफहमी में है कि रिजर्वेशन में हमारा अपॉइंटमेंट होता है। हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, यह हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक माध्यम है, एक महत्व। अब मैं आपको बता दूं कि आज देश में 130 करोड़ जनसंख्या में आपके पास आज के दिन सिर्फ 2% जो है सरकारी नौकरियां मौजूद हैं। तो 130 करोड़ की जनसंख्या में जो 2% नौकरियां प्राप्त हैं, बाकी जनता क्या करती है आप सोच सकते हैं। बाकी जो पब्लिक है वो भी अपना जीवन बसर कर रही है और अच्छा कर रही है। तो साथी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन का माध्यम है। ये कोई गरीबी कार्यक्रम नहीं है, जो कोई भी आएगा छीन लेगा और जो कोई भी आएगा वो किसी को भी मार देगा। तो इसीलिए जो बाबा साहब ने हमें संविधान को दिया, पर हम अपने संविधान बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान की रक्षा हम नहीं कर पा रहे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस गैदरिंग में, इस हॉल में बहुत अच्छी गैदरिंग है और हमारे सारे अतिथिगण भी आज मौजूद है। हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी मौजूद है, हमारे एडवोकेट साहब भी मौजूद है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी जो उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी भागीदारी कम है। इसका एकमात्र कारण जो है हमारा जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो नहीं है। एकमात्र कारण है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार के पेशे जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको वकालत की ही बात करूंगा। हालांकि प्रोफेसर मौजूद है तो आपको विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा, मैं उसको नहीं चर्चा करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जो अपने भरत साहब है वो बेहतरीन बता पाएंगे। 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, क्यों है, वो सर बताएंगे। मैं छोड़ देता हूं, मैं आपको लीगल इसकी जो है लीगल जो इसकी जो लीगल कमियां है वो मैं उस पर चर्चा करूंगा। साथियों आज की डेट में हमारे पास जो है पूरे भारत में जितने हाईकोर्ट है उसमें जो जजेस की संख्या है वो है 1079। 1079 जो है पदों की संख्या है हाईकोर्ट जजेस की, और उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में 21 जज जो है हमारे हाईकोर्ट में है आज की डेट में मौजूद। मात्र हमारा एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, 21%। तो 1079 21% निकालते बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 2010 के बाद हमारा कोई जज नहीं है, हमारा कोई भी छुटुल रैंक का जज नहीं है। माननीय के जी बालकृष्ण साहब के रिटायर होने के पश्चात 2010 से आज 19 आ गया, 9 साल होने जा रहा है आपको। 9 साल में आपके समक्ष जो है एससी स्केप्टोसिटी एक्ट आया, एससी स्केप्टोसिटी एक्ट के लिए फैसला कौन करेगा, हमारे ऊपर कास्ट करेगी क्या, वो हमारे देशी है, वो तो हमारे बारे में जानते तक नहीं है। वो मैं जजमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जब लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। मैं अपने जो समाज वर्ग के समाज साथी से बात करता हूं, उससे जो जानू मेरा साथी उससे बात करता हूं, भाई रिजर्वेशन क्या होता है, कहता साहब ये तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो मैंने कहा जैसा वो तो अपॉइंटमेंट लिख रहा है, रिजर्वेशन है वो अपॉइंटमेंट हो रहा है इससे, और वो ये लिख रहे हैं कि रिजर्वेशन से जैसे ही वो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति वो क्रीमी लेयर में आता है तो अनटचेबिलिटी और बैकवर्ड से बाहर हो जाता है। वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी और बैकवर्ड से बाहर हो जाते हैं। अभी 2018 में जजमेंट आया गजेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर पैरा 26 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपके साथ कहूंगा, एक बार वो गजेंद्र सिंह की जजमेंट का 26 पैरा पढ़ लीजिएगा,
टीचर भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, बहुत सारा समाज है मेरा हर फील्ड में पहुंचा हुआ है। और हमारे हमारे साथ के लोग हैं लॉ होल्डर, ऐसा नहीं लॉ नहीं करते, लॉ भी करते हैं, बट उनके पीछे क्या है, एक अपने पेट को पालने की चिंता रहती है। उस पेट को पालने के लिए, उस पेट को बचाने के लिए वो मेरा जो होनहार छात्र है वो भी बाहर चला जाता है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में लोअर यूनिवर्सिटी में वो क्या बनता है, मुंशीजित बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्स है साथी मैं बता दूं, इसको संविधान कोर्ट टच करने की पावर भी नहीं है। तो आपको जो अधिकार मिलता है वो संविधान के द्वारा मिलता है, आपका जो फंडामेंटल राइट से गवर्न होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं, उसको टच करने की पावर सिर्फ और सिर्फ है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। यदि हमने किसी व्यक्ति का, किसी भी देश के नागरिक का मानव अधिकार का हनन होता है तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है आर्टिकल 32 में, और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाता है। तो आज मेरे जो जितने मेरे यहाँ जितने साथी बैठे, मुझे लगता है सबके सब संपन्न है। यदि आप अपने बच्चों में से एक को जुडिशियल में भेज दो और उसको 3 साल सपोर्ट कर दो, सिर्फ 3 साल सपोर्ट करो, मैं साथियों में बता देता हूँ कि समस्या नहीं आएगी आपके सामने, ये समस्या नहीं आएगी। और यूपी में जो लाखों लाखों लोग विवाद में वो समस्या नहीं आएगी। गोटे गैस लड़ाई लड़ते 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 जो है 2018 में झंडा आया पांच मिनिस्टर जनरल सिंह का, उसमें कहा गया है कि जो एडुकेट प्रेजेंटेशन की बात इंदिरा साली में किया गया और जिसके द्वारा ये रिवर्ट हुआ वो गलत था फैसला। अरे भाई आपको रिवर्ट 2.5 लाख लोगों को रिवर्ट करने के बाद क्या लगता है कि वो फैसला गलत है, तो आप प्लीज इसको पढ़ो। उनको उसकी भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तो हमने लड़ा है कई साथियों को, हमने रिस्टोर कराने का प्रयास किया है, तो जो साथी आए उसको रिस्टोर किया गया, उसका लाभ मिला। और 2018 में जजमेंट आया आपके सामने कि वो एडुकेट प्रेजेंटेशन बात करता है एडुकेट नंबर की वो जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैकवर्ड है, शुरू का है बैकवर्ड क्लास हमारा, वो ऑलरेडी बैकवर्ड है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों मैं ये अपने जो लीगल नॉलेज है उसी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अधिक से अधिक छात्र, अधिक से अधिक भाई बंधु, अधिक से अधिक मेरी बहने यदि इस बिल में आती है और हाईकोर्ट से वकालत स्टार्ट करती है, जो हाईकोर्ट की वकालत होती है साथियों आर्टिकल 246 से शुरू होती है। आर्टिकल 246 में आपके पास जो जो समस्या है ना, और मेरे साथी मेरे जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बदौलत, पर रिजर्वेशन की बदौलत सरकारी नौकरियों में है, बट उनको सरकारी नौकरियों में जो सरकार के द्वारा पहचान किए जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट की आई कोर्ट में, जो एडवोकेट है तो उनको भी हमारे साथी विश्वास नहीं करते। हमारे पास साथी मैं आपको बताऊं आज की डेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र मौजूद हैं, जिनकी कितने बढ़िया इनिशिएट, कितने मेरिटोरियस हैं हमारे बच्चे, कितने मेरिटोरियस हैं कि दूसरे लोगों के आगे फेल हो रहा है। पर क्या है कि थोड़ा वो डर रहता है, मानसिक भी थोड़ी अच्छी कि हमें रोजगार की चाहिए कुछ ना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप 3 साल अपने बच्चों को सपोर्ट कर दीजिए, 3 साल उसकी फाइनेंस कर दीजिए बैंकिंग के लिए, बेटा इस तरह से उसको पढ़ाया है, 3 साल और मैं तुमसे नहीं कुछ पाऊंगा, तुम जाओ इस फील्ड में लग जाओ। एक एक छात्र से नहीं, एक एक घर से एक एक वकील पैदा हो गया साथी, मैं बताता हूँ आपसे सबसे दुआ सारी समस्या समाज। आप आजकल जो भी लॉ देखते हो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके आपको अपने अनुसार इंटरप्रेट करके बताता है कि यह है लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होगा, 49.5% रिजर्वेशन है, वो कहते हैं कि इससे अधिक रिजर्वेशन लेना पाप है। तो ये 10% कहाँ दिया आपने, ये आपने 10% कहाँ से दे दिया, इंटरप्रिटेशन कर दिया आर्टिकल 46 का, इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 46 आपके लिए कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द क्लासेस। तो वीकर सेक्शन जो क्लास है उसकी डेफिनेशन क्या है, जो वीकर सेक्शन की जो डेफिनेशन है साथियों वो इंदिरा साली 9th जिसका जो जजमेंट है संविधान पीठ के द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको चेंज किया गया है। वीकर सेक्शन कौन है उसका कहा गया कि जो वीकर सेक्शन वो है शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो बैकवर्ड है उनको है, वो कौन है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है वो वीकर सेक्शन है, ये अपर कास्ट नहीं है, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिक तो क्राइटेरिया ही नहीं। और इसको जो है इंदिरा साली ने ऑलरेडी जो है 1992 में बोला था, और 10% आरक्षण को भी निरस्त कर दिया।
एक्टिव उसमें जो है वो 10% दिया है, तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है, ये 13 पॉइंट रोस्टर विश्वविद्यालय का, इसको कैसे वो चला के चिला है, चला के कौन ही चिला है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन पे चिला हुई बात नहीं है। और जो मैं जो आज देख रहा हूँ साथियों, तो ये केस जब आ रहा सुप्रीम कोर्ट में, उस समय में भी कुछ मेरे साथी जागरूक हो जाते, हो सकता है नौबत ना आती, हमारे प्रोफेसर साहब कुछ एक्टिव हो जाते उस समय, तो ये नौबत ना आती मेरे क्या थे, तो उसको रिजल्ट बोर्ड डिपार्टमेंट के बाद किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट मैटर पड़ रहा था उसकी लड़ाई वही लड़नी थी और उसी तरीके से लड़नी थी, तो मुझे लगता है वो हमारा अधिकार हासिल हो सकता था। तो साथियों ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको बतानी चाहिए, और मैं जान जाता हूँ अपनी लिए बातें करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा समाज जो है इस गांव में प्रदर्शन आए। मैं 2002 से फिलहाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, 2005 सुप्रीम कोर्ट में हूँ, और मैंने अपने साथी समाज को एकदम निखार कर रखा है। आपके अयोध्या मैटर में मैंने पिटीशन फाइल कर रखी है, उसमें मैंने बोला है कि अयोध्या लैंड है वो, अयोध्या भूमि दिया है, और इट डिक्लेयर अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। आप उसको सबको कर दो, पूरा देश के लिए दे दो और उसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट बना दो। एक पत्रकार ने साथियों पूछा कि साहब ये क्या आपने गुस्सा लैंड डाल दिया है, आप क्यों गुस्सा लैंड की मांग कर रहे हो? मैंने कहा सर ये भूखा वालों ने और जो 35 लोग हैं उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने देने का काम किया है, बुद्धा ने दिया है और मैं भी देने का काम कर रहा हूँ। मैं तो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक रास्ता सुझा रहा हूँ कि आप जो है ये लड़ाई जो है ये बहुत समय तक चलती रही, इसका एक मध्यम मार्ग है ये, आप उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दो अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया है। जो मैंने हवाला दिया कोर्ट ने इसको माना और उसको एडमिट कर दिया है। क्यों एडमिट किया है, क्यों साथियों? क्योंकि मैंने जो हवाला दिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हुआ था वो 3 वॉल्यूम में है, 5,000 पन्नों का जजमेंट है, उसी जजमेंट से मैंने निकाला है कि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्धा की लैंड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें शामिल किया गया है कि ये बुद्धा की लैंड है, ये लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे निवास किया था, 6 वर्ष यहाँ निवास किया था। तो आप इसके तहत ये बुद्धा लैंड डिक्लेयर कर दो, वो पिटीशन मेरी एडमिट है और 36 तारीख को सुनवाई भी है। मैं चाहता हूँ कि हमें हासिल होगा, हमें अपनी जो भी